अभी जो है मैं सबा के साथ करने लगा हूँ प्रैंक। छोड़ दे कैसा पुट्ठी चार मार दे मार दे यार क्या है दिमाग खराब है बाजू दिखा देते इधर देख ना इधर इधर मैं तो का देख इधर 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 इंसान की तकलीफ ही करने लगा जब ये क्या है अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब ठीक हैं खैरियत से हैं जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआएं हैं। तो जी अभी शाम का टाइम है नमाज मगरिब अदा की उसके बाद जो है मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी शुरू कर रहा हूँ। पहले तो पूरे दिन का होता था लेकिन आज जो है ना हम पूरा दिन जो है वो बाहर रहे। कौमी तराना एक था तो उसकी शूटिंग थी आज सारा दिन जो है ना वहाँ पर लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जी जी रोटी यार भूख तो नहीं है क्या बनाया बेटा गोभी गोभी की तो मौसम नहीं है मेरे हीरे मेरे ख्याल में आपने बनाई है सब्बस्तूरी इवें ना हाँ ऐसे ना इस्लामुद्दीन चले सही है चले मैं आ रहा हूँ उसको खुद बताता हूँ। तो सारा दिन शूटिंग चलती रही अभी ही मैं वापस आया हूँ हाथ मुँह धोया नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है अभी लोग अपना स्टार्ट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे मेहमान क्या हाल है ठीक उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आप सब भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है शाम का टाइम है और जनाब जी जो है सुबह 6 बजे से गए हुए अभी अभी वापस आए हैं। हाँ जी काम इतना ज्यादा था एक एक लोकेशन पे ढूंढना और वहाँ पे एक एक लिपसिंग एक एक शूटिंग एक एक जो है वो क्लिप्स शूट करना आपको पता है फिर मेहनत तो लगती है ना। और अभी मैं जब वापस आया तो देखा माशाल्लाह ये रोटियां भी बना रही थी। अब मुझे ये बताओ रोटी बनानी है आपकी या नहीं बनानी मुझे ये बताओ। मैं वो सब्ज़पूरी तो नहीं खाता कोई और चीज़ है तो खा लूंगा और कुछ नहीं है यार। चलो फिर मेरी ना अच्छा चले इधर जो है माशाल्लाह मोहम्मद हसन जानी बैठा है कैसे हो। इसकी भी तबीयत जो है ना वो रात से ख़राब है इसकी एक तो ये आँख खराब है दूसरा इसको मेरे ख्याल में बुखार भी हो रहा है ऐसे जी क्योंकि रात पूरी जो है ये नहीं सोया तो दिन को बुला लेती डॉक्टर को चेक करवा देती सुबह मतलब कि इसको नहलाया है ना वो रात का थका और चुप करके सो गया है मैंने कहा शायद तबीयत सही है ये अभी दोपहर से फिर दोबारा जो है ना ये रोना स्टार्ट हो गया तो अभी फिर चेकअप कर गया है इसका ना। और अभी तो मैंने फोन किया ना तो वो मैंने कहा है ना आपको और अभी शरबत दिए और आंखों वाले कतरे जो है उसके पास नहीं थे उसने कहा दुकान पे पड़े हैं शाम को जब वापस आऊंगा ले आऊंगा। सही हो गया। हाँ जी। और बेबो को आम दिखाना बेबो के पास इतनी बड़ा आम है ना ये बेबो ना अभी दरवाजे में उंगलियां आई हैं वो दिखा रहा है। अच्छा आम दिखाना इतना बड़ा आम आप उठा के फिर रहे हो रोटी आप मेरी बना लो एक डेढ़ रोटी बना लो मैं ना सालन किसी से ले लूंगा वो ना चेंज करवा लूंगा किसी से ठीक है। ओके हाँ फिर ऐसे भूखा तो ना रहूँ ना सारी रात। अच्छा। सालन वैसे टेस्टी बनता है बस वो सालन मैं खा भी लेता हूँ मैं ना मतलब जो चीज नहीं खाता जैसे एक होता है बंदा शुरू से नहीं खाता मैं अभी खा भी लूंगा लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती जब तक फिर और सालन नहीं होगा ना इसलिए फिर और सालन चेंज करवा के ना उसके साथ रोटी खा लूंगा। मैं ना जब सब्जी लेने गई हूँ ना सुबह तो मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूं भिंडी करेला ये चीजें थी तो फिर जो है ना ऐसे सोचती रही तो फिर सब्जी वाले भाई कहते हैं गुड़िया क्या लेना बताओ आप गुड़िया हाँ मतलब की फिर जो है ना मैंने खड़े खड़े कहा मैंने कहा भाई 1 किलो ना सब तूरी तोड़ दो बस सही वो भाई लोगों ने भी तूरी ली है ना मैंने कहा चलो आज हम भी टेस्ट कर लेंगे किसी और से बात जो है ना क्योंकि कभी नहीं बनाई हमने तूरी तो इसी वजह से आज तूरी लेकिन फिर भी वो सारी खराब निकली है फिर शुक्र है वो भाई भैया दिन की जो है ना सब्जी जो उस पे इतना बड़ा कद्दू वो मतलब के जो उसके पत्ते है ना उसमें छुपे हुआ था फिर वो जो है तोड़ के आई हूँ फिर उससे बन गया माशाल्लाह सालन अब वो भी खाएंगे हम भी खाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़ा ही टेस्टी जबरदस्त सालन जो है ना वो बना हुआ है। आम जो है मैंने ये काट के दे दिया है बेबू जानी को और इस्लामुद्दीन को, ये दोनों कट्ठे बैठ के ना यहाँ पे खा रहे हैं। बताएं जी मीठा है? हाँ। मीठा है जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। अम्मी जान भी नमाज पढ़ के आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। आज गर्मी थी क्या? हाँ गर्मी आज बहुत है। ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अच्छा, मैंने हमने कहा हम तो गए थे ना रोही इधर चौलिस्तान, हमने कहा उधर तो इतनी हमारी शक्लें काली धूम हो गई थी। और उधर मजे की बात है पानी था वो डड्डू वाला, उनके अंदर ना सारे डड्डू थे ऐसे जैसे खड़े होते हैं पानी, खड़ा होता है पानी बारिश का, कहते वही पीना है। उधर के लोग भी वही पी रहे थे, अंदर ना मरी हुई थी चीजें भी, लेकिन कहते क्या करें मजबूर है हमें ऐसा ही पानी। तो इतने ज़्यादा जो है ना वो हम बड़े बड़े सहरा में और बड़े बड़े जो है ना वो चौलिस्तान में गए हैं आज। आपको भी ले जाएंगे फिर पानी का कूलर ना भर के ठंडा उसको फिर ले जाएंगे। हमारे तो इतनी बड़ी बड़ी जुबानें निकल आई थी बाहर। प्यास इतनी लगी हुई थी, गर्मी बहुत है, फिर गर्मी से प्यास लगती है ना। हाँ अभी जी आ गया हूँ मैं अंदर, और अंदर जी पोजीशन ये है कि हसन जानी को ये वाला जी हमारी सराय की सकाफती अजरक, तो ये वाले जो है ना हमने गले में पहन रखी थी सबा। अच्छा। हाँ जी, अभी आपने इसको सर पे बंधवा दी, ये गले में ना पहनी होती है तो प्यारा लगता है। अब मेरे गले में पहनाओ फिर चेक करो, या खुद पहनो। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी पता चल रहा है कि आप माशाल्लाह सराकी हैं। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सराकी होने पर बहुत ज़्यादा फख्र है। और काफ़ी जो है वो बोलते हैं कि आप जो बीच बीच में ये बोलते हैं ये कौन सी बोली होती है, तो वो हमारी सराकी बोली होती है, हमारी जो असल ज़ुबान है। इस वक्त पाकिस्तान में 8 करोड़ आबादी पे सराकी रहते हैं, 8 करोड़ आबादी है। हाँ, सराकियों का बच्चे है ये देखिए। हाँ जी, और सराकियों के बच्चे माशाल्लाह, आप देखें कि हमारी ये जो अजरक है ये कैसी लग रही है। रोटी फाइनल? हाँ फाइनल, सही हो गया। गर्मी बहुत लग रही थी, मैं थोड़ी सी हवा लगवा लूं फिर जो है ना बाद में खाना खाएंगे। सही हो गया। आज जो है ना इसकी हंसी जो है ना वो कहीं चली गई है, क्योंकि थोड़ी तबीयत जो है ना वो डाउन है, इसी वजह से दिल तो कर रहा है लेकिन हंस नहीं रहा इतना ज्यादा है ना। वो इसको पकड़ना, इसको पकड़ो पकड़ो। आप सुनो आपका हाथ कैसा है? हाँ बुलाओ सबको, ये धागा पकड़ने की कोशिश है। ओ पकड़ लिया। अच्छा कैसा था वहाँ पे माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है रब का। एंजॉय किया या नहीं? बहुत एंजॉय किया, गर्मी इतनी थी मुंह काले हो गए। तो वैसे कौन सा बोल रहे थे? नहीं मतलब कि पहले से कुछ जो है वो ज्यादा काले हो गए से। हाँ जी सही है, क्योंकि वहाँ पे धूप थी छाँव नहीं थी ना इसी वजह से। हाँ जी, तो जी प्यारे बहन भाइयों अभी जो है मैं सबा के साथ करने लगा हूँ प्रैंक। वो ये प्रैंक के मैं सारा दिन तुझे कॉल करता रहा, तूने कॉल नहीं उठाई। दूसरा मैं जब घर आया हारन देता रहा तो आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो क्या वजह थी? आप जो हैं वो सोती हैं या ऐसे लगता है कि जैसे बंदा एक इस दुनिया में भी नहीं होता? तो इस तरह से मैं मतलब ऐसे अंदर कमरे में पहले मोबाइल फिट करके रखता हूँ उसको पता ना चले, उसके बाद जो है ना फिर उसे कहूँगा आप रोटी पानी पका लिया ओके हो गया, फिर कहूँगा हाँ अब बता, अब व्लॉग भी बन गया उसे कहूँगा, फिर कहूँगा हाँ अब बता। सारा दिन जो मैं तुझे कॉल करता रहा और तूने कॉल नहीं उठाई, अभी मैं घर आया शाम को दरवाज़ा बजाता रहा हॉर्न देता रहा आपने दरवाज़ा भी नहीं खोला, आप सोई हुई थी कि इस दुनिया में ही नहीं थी? इस तरह से जी अभी मैं बिल्कुल गुस्से हो जाऊँगा, तो अभी देखता हूँ कि सबा जो है ना वो क्या करती है। तो आप सब ने साथ रहना है, तो होने वाला है जी अभी प्रैंक,
शुरू। अच्छा सिंह, रोटी पानी तो तेरी बन गई है। अच्छा ठीक है, हम मैं कुछ आज हो सारी दीवार से पुकार कर रह गया। कितना हमें तो सारी दीवार में काला कर रह गया, ना काल चाती ना हूं मैं आया गाड़ी को आराम निकल कर दरवाजा ही कहने खोलिया कि सही हां मैं या मुई पे मैं पहले ही दस। तो क्या है यार, क्या है, क्यों फोन क्यों करने चाहता, क्या बस मोबाइल लेकर बैठे? तो क्या साहब यार मोबाइल मेरे हाथ है थोड़ी ना रहा यार, क्या वास्ते घर नहीं दिखना, क्या वास्ते माथे रहने बस छुआ नहीं। तेरे पता है तबीयत खराब है, सर रात सोता है नहीं, इमरजेंसी है, मैं तुझे कॉल करना चाहता। तो यार क्या है, तो मैं छुआ को सुनने पे मुझको नींद आ गई, मैं कुना नींद रह गई पूरी रात। तेरे पता है मेरे को नींद कहीं गई, छुआ के खाते में बैठी रह गया सारी रात। तो वो नींद कितनी वाला कितो सारी रात, जब तबीयत खराब है सोमा नहीं था मेरे को। नो तो तेरे समय रखियो ना एक ते हम क्या है दरवाजा बंद क्यों कर, क्यों दरवाजा कर दिया अब्बा, ते दरवाजा खोले सी ते को क्या थी ना मैं पहले ही दस। ते यार क्या, ते खुद को पता दरवाजा जरा बंद कर, कहीं नहीं सुने यार, कहीं नहीं सुने ते तू मुई पिया मैं खगे सोती पिया मैं सुमती या मरी पियो नहीं तुमने पहले ही दस। अच्छा हम क्या है यार, मेरा दिमाग है पूरा शॉर्ट कर दे समझे, मेरे को उनसे निकाल ना कर। छोड़ दे क्यों कितु चाहते है हमें तो देखो दिखा दे जी ओको ना तंग कर यार, परेशान थी ना और तरीका कभी सारी दीवार एक आप ना काल चाहती नहीं हो कि तुम्हारा बाले को नहीं देती हसन एक कशा खवेंदी रानी साथ दीवार डाले के तेरा आखरी थी एक कशा खवाई मेरी परवाह ना प्रणाल चीज दा सारी दीवार का मोबाइल ड्रामे लग गए तो लग गए दिमाग ना खराब कर समझिए ना, कैसा पुठी चार मार घेन मार पकड़ के चल पकड़ तो ये दे मैं तो दे मैं तो देख ना यार मैं नहीं रह दी निकल तो मेरे पास मेरे ग्रोथ दिमाग तेरा यार क्या है, दिमाग खराब है, बाजू दिखा देती
तेरा दिमाग अपना खराब है। इधे देख ना इधे देख मैं तो का देख इधे दे दे इंसान की तकलीफ ही करने लगा जब ये क्या है ई मोड़ ना मान हाँ जी। तो प्यारे बहन भाइयों आपको प्रैंक जो है वो कैसा लगा सभा के साथ, तो आप जो है प्रैंक को एंजॉय करें। और मैंने कहा आज जो है ना कितने अरसे के बाद जो है मैंने प्रैंक नहीं किया था, ताकि सभा तो मेरी शहजादी है ए, ए, और उसके बाद ऐसे थोड़ी करते हैं। तो बड़ा मजा आया, हसन बहुत ज्यादा परेशान है मेरा है। वो देखो कैमरा नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच कैमरामैन मोहम्मद बेबो साहब। इशफाक अहमद जो है वो दरवाजे की साइड पे जो है वो छुप कर कैमरा फ्रेम पे लगा के देख रहा है, उसका बहुत शुक्रिया। अब क्या कहना चाहोगी जी? दिमाग मेरा चलें जी, अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपने मेरा साथ किया है ना, अब देर करो मैं देखती हूँ आपको। आप भी प्रैंक करोगे? नहीं, जो भी करूँगी तुझे बताना थोड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।